नमस्कार दोस्तों, बोमिनोटो एडिशन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले ऑल न्यू होंडा एचआरवी के बारे में। भारत में दिन पर दिन एसयूवी कारों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। आकर्षक लुक और ज्यादा स्पेस की वजह से हर कोई अपने पास एक एसयूवी कार खरीदने की चाह रखता है। ऐसे में कंपनियां अपनी लाइनअप में नई एसयूवी मॉडल पेश कर रही है। ऐसे में भारत में अपने न्यू यूजर बेस को बढ़ाने के लिए जापान की ऑटोमोबाइल कंपनी होंडा खास तौर पर भारतीय बाजारों के लिए एक एसयूवी तैयार कर रही है। कंपनी अपनी इस एसयूवी को एक नए अपडेट के साथ इंडियन मार्केट में लॉन्च करेगी। दोस्तों आपको बता दें कि यह एसयूवी होंडा एचआरवी के ग्लोबल मॉडल पर आधारित होगी। न्यूज एजेंसी के साथ इंटरव्यू के दौरान होंडा कार्स कंपनी के सीईओ और प्रेसिडेंट ने कहा कि बाजार में बढ़ती डिमांड को देखते हुए हम भारत के लिए एक एसयूवी मॉडल तैयार कर रहे हैं और इसे जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। तो चले दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में आने वाली होंडा एचआरवी की सारी रिवील हुई जानकारी के बारे में। तो दोस्तों बने रहे इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों पहले तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा जिससे हमारी ओर से आने वाली सभी ऑटोमोबाइल अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं होंडा एचआरवी के एक्सटीरियर लुक और डिजाइन के बारे में। होंडा एचआरवी के पावर फाउंडेशन पर मुहर लगाने के लिए इसके एक्सटीरियर डिजाइन में बहुत ही स्पॉटी विजुअल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें भरपूर बॉडी फिट, ड्यूअल एग्जॉस्ट पाइप, आउटलेट और आरएस बैचिंग दी गई है। इसके फ्रंट में आपको शानदार फ्रंट ग्रिल, एलईडी डीआरएल के साथ एक नए लुक वाला फ्रंट बम्पर, साइड से आप इसको देखें तो 17 इंच के एलो व्हील्स, ऑटो एडजस्टेबल ORVMs, रियर में आपको एलईडी टेल लाइट जो कि एलईडी स्ट्रिप के साथ देखने को मिलेगी, ड्यूअल एग्जॉस्ट पाइप, रीडिजाइन रियर बम्पर, ऊपर की ओर आपको शार्क फिन एंटीना देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों बात करें होंडा एचआरवी के डायमेंशन की तो पिछले मॉडल के तुलना में 120 mm ज़्यादा लंबी, 10 mm ज़्यादा चौड़ी मिलेगी। इसी के साथ इसकी ऊंचाई 5 mm कम कर दी गई है, जबकि इसका व्हील बेस 20 mm तक ज़्यादा बढ़ाया गया है। ऑल ओवर डायमेंशन की बात करें तो लंबाई में आपको 4.45 मीटर, चौड़ाई में आपको 1.78 मीटर और ऊंचाई में आपको 1.60 मीटर मिल जाएगी, जबकि इसका व्हील बेस 2.63 मीटर का दिया गया है। तो चले दोस्तों अब हम बात करते हैं होंडा एचआरवी के इंटीरियर की। होंडा एचआरवी के इंटीरियर की बात करें तो इसमें आपको काफी सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। इसमें आपको स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, होंडा कनेक्ट डिस्प्ले, पेनारोमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग, ऑटोमेटिक एसी और 10.25 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है जो एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो से लेस होगा। साथ ही फ्री पावर टेलगेट दिया जाएगा। इसके अलावा इस एसयूवी में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, रियर पार्किंग सेंसर और रियर पार्किंग कैमरा जैसे शानदार फीचर्स दिए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं होंडा एचआरवी में मिलने वाले इंजन की। होंडा एचआरवी हाइब्रिड में कंपनी ने 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन और दो इलेक्ट्रिक मोटर के साथ दो लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया है। यह इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर एक साथ 109 PS का पावर जनरेट करते हैं। यह इंटीग्रेटेड इंजन मल्टी मोड ड्राइविंग टेक्नोलॉजी से लैस है। हाइब्रिड वर्जन के अलावा यह कार नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ भी उपलब्ध है, जिसमें आपको 1.5 लीटर कैपेसिटी वाला नेचुरली इंजन दिया गया है जो कि 121 BHP की पावर और 145 Nm का टॉर्क जनरेट करके देता है। यह इंजन आपको 5 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ पेश किया जाएगा। इसी के साथ कंपनी क्लेम करती है कि होंडा एचआरवी में आपको 26 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मिलेगा। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं होंडा एचआरवी की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में। दोस्तों होंडा एचआरवी आरएस को 2022 के अंत तक इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है। इसके प्राइस की बात करें तो तकरीबन 25 लाख से लेकर 30 लाख के बीच में रखी जाएगी। तो दोस्तों क्या यह एसयूवी इंडियन मार्केट में लॉन्च होती है तो आप लेना पसंद करेंगे, मुझे कमेंट सेशन में जरूर बताएगा। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा जिससे हमारी ओर से आने वाली सभी ऑटोमोबाइल अपडेट्स आपको मिलती रहे। दोस्तों थैंक यू अंत तक देखने के लिए।